हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं, न्यू ब्रेड रोल, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ उबले हुए आलू ले लेंगे। यहाँ पर हमने आलू को उबाल लिया है। बारीक कटी हुई मिर्च ले लेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ले लेंगे। इसके बाद एक चम्मच गरम मसाला ले लेंगे, एक चौथाई हम पंचफोड़न ले लेंगे। अब आंच पर हम कढ़ाई को रख देंगे, उसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के बाद आप पंचफोड़न को डालें। यहाँ पर हमने पंचफोड़न को ऐड कर दिया है। अब हम हरी मिर्च को ऐड करेंगे, जो हमने बारीक कट करके रखी थी। इसके बाद हम गरम मसाले को डालेंगे। याद रखें कि आप फ्लेम को एकदम लो रखें। तुरंत बाद ही हम उबले हुए आलू डाल देंगे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दें। यहाँ पर हमने नमक को ऐड कर दिया है। इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ऊपर से आप धनिया पत्ती ऐड कर दें। मैशर की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे, ताकि ये चोखा बनकर तैयार हो जाए। इसके बाद हम कुछ ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड के बाहरी हिस्से को हम कट कर अलग कर देंगे। यहाँ पर हमने चने दाल को भिगो रखा था, अब इसे ग्राइंडर की मदद से हम ग्राइंड कर देंगे। इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से गरम मसाले ऐड कर देंगे। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे। अब इसे हम मिला देंगे। यहाँ पर हमने मिलाना स्टार्ट कर दिया है। बेसन अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा चोखा रखेंगे। अगर आपके ब्रेड का साइज बड़ा है तो आप एक ही ब्रेड में बना सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटे साइज का ब्रेड लिया है। थोड़े से पानी में इसको भिगोकर आप राउंड कर लें, इसे प्रेस कर लें अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने प्रेस करके राउंड कर लिया है। अब थोड़े से हमने ड्राई बेसन रखे थे, उसमें हम इसे लेप लगा देंगे, ताकि ये गीले बेसन को आसानी से ऑब्जर्व कर सके, नहीं तो हमारी बेसन चिपकेगी नहीं। अब इसे आप छानना स्टार्ट कर दें। आप ज्यादा हाई फ्लेम पर ना छाने, नहीं तो अंदर का हिस्सा नहीं पकेगा। कुछ देर के बाद आप इसे पलट दें, ताकि ये चारों तरफ से पक जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चटनी की मदद से सर्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।